हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की जलेबी। जलेबी पनीर से भी बनती है और जलेबी मावा की भी बनती है, लेकिन आज हम जलेबी मैदा की बनाएंगे। मैदा की जलेबी बनाने के लिए देखिए हमने क्या सामान लिया है। आधा कप हमने मैदा लिया है। मैदा को हमने 24 घंटे पहले भिगोकर रख लिया था। एक कटोरी हमने चीनी की ली है, जिसकी हमें चाशनी बनानी है। जलेबी बनाने के लिए हमने घी लिया है। जलेबी बनाने के लिए हमें मैदा को 24 घंटे पहले भिगोकर रखना होता है, तो हमारे पास मैदा ऑलरेडी तैयार है। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी हमारे पास चीनी की है, तो हम इसमें 3 कटोरी पानी का डाल देंगे। पानी डाल देंगे, 3 कप पानी का डाल देंगे। चीनी को डाल देंगे। चीनी को एक बार हम अच्छे से फूलने देंगे। चाशनी हमारी पककर तैयार हो गई है। चाशनी को हमें एक या दो तार का नहीं पकाना। चाशनी को हमें बस सिर्फ शहद जितना गाढ़ा रखना है। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम तेल को गर्म कर लेते हैं और उसमें छोटी छोटी जलेबियां बनाएंगे। जलेबी का घोल हमारा तैयार है। जलेबी बनाने के लिए वैसे तो बाजार में एक स्पेशल कपड़ा आता है, हमारे पास वो नहीं है, तो दूध के खाली पैकेट से भी हम उसमें इस घोल को भरकर और नीचे से होल बनाकर जलेबियां बना सकते हैं। तो हमने भी एक पॉलिथीन लिया है, उसी में हम इसको घोल को डाल लेंगे। ये पॉलिथीन है हमारे पास, इसको हम एक गिलास में ऐसे रख देंगे और घोल को इसके बीच में हम डाल लेंगे। पैकेट को हम ऊपर से अच्छे से बंद कर देंगे। ये पैकेट को हमने अच्छे से बंद कर लिया है और हमने ये तैयार कर लिया है। अब इसके नीचे से हम कैंची की सहायता से छोटा सा एक होल बना लेंगे और जलेबियां तलना शुरू करेंगे। ये हमने छोटा सा होल बना लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है, जलेबी बनाना शुरू करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जो जलेबियां हमारी फूल चुकी हैं और एक साइड से हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, उनको हम पलट देंगे। जलेबियां हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। जलेबियों को हम एक प्लेट में पहले बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी जलेबियों को भी बनाते जाएंगे। अब इन जलेबियों को हम चाशनी में डाल देंगे। दो या तीन मिनट हम इनको चाशनी में रखेंगे। चाशनी में से जलेबियों को बाहर निकाल लेंगे। जलेबियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैदा की जलेबी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जलेबी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।